नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार सुबह से मतदान शुरू हो गया है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। यहां सीधा मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी एमवीए के बीच है, जहां महायुति सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जबकि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी मजबूत वापसी की उम्मीद कर रहा है। ऐसे में जनता क्या दोबारा महायुति को कुर्सी पर बैठाती है या इस बार एनडीए को मौका देती है, ये तो 23 नवंबर को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इसी बीच मतदान को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वोटरों से खास अपील की है। क्या है वो अपील, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने मतदाताओं से अपील करते हुए एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र के भाइयों बहनों, मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि आप राज्य के स्वाभिमान और संविधान की रक्षा के लिए वोट अवश्य डालें। महाविकास अघाड़ी को दिया आपका हर वोट आपकी नौकरियों और प्रोजेक्ट्स की चोरी को रोकेगा, किसानों को फसलों का सही दाम दिलाएगा और 5 गारंटियों से आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के भाइयों और बहनों, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट और रोजमर्रा की उन परेशानियों के खिलाफ वोट कीजिए जिनसे आप जूझ रहे हैं। हमारे संविधान ने आपके हाथों में शक्ति दी है कि अपने वोट से सरकार चुने जो सिर्फ आपके लिए काम करे। इस लोकतंत्र और संविधान की सुरक्षा के लिए, सामाजिक न्याय की मजबूती के लिए दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, महिला, मध्य वर्ग, कारोबारी और आम जनता के कल्याण के लिए धर्मबंध की राजनीति के खिलाफ भारी संख्या में वोट कीजिए और प्रचंड बहुमत से महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाइए। गौरतलब है कि महायुति में बीजेपी 149 सीट पर, शिवसेना 81 सीट पर चुनाव लड़ रही है और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने 59 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस ने 101 उम्मीदवार, शिवसेना ने 95 और रांकपा ने 86 उम्मीदवार खड़े किए हैं। साथ ही बसपा और AIMIM सहित छोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में जीत का सहरा किसके सिर सजता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।